शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इसी भाव के साथ हरियाणा के लाल ने देश की रक्षा में आतंकियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तस्वीरें जींद के निडानी गांव की हैं, जब शहीद कुलदीप का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, जहां हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। आपको बता दें कि सीआरपीएफ में तैनात इंस्पेक्टर कुलदीप मलिक का उनके पैतृक गांव निडानी में अंतिम संस्कार किया गया, जहां बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी और पत्नी ने पार्थिव देह को सैल्यूट कर वंदे मातरम का नारा लगाया, जिसके बाद मौके पर मौजूद हजारों की संख्या में आए लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। दरअसल इंस्पेक्टर कुलदीप जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बसंतपुर इलाके में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे, जिसके बाद कुलदीप का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों का अपार जनसमूह अपने लाल को देखने के लिए उमड़ पड़ा है। बेटे का जहां रो रो कर बुरा हाल है, वहीं हर चेहरा गमगीन है। शहीद कुलदीप मलिक कुश्ती के भी नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। 34 साल पहले वो खेल कोटे से ही सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे और जल्द ही डीएसपी प्रमोट होने वाले थे। इंस्पेक्टर कुलदीप मलिक बहुत ही बहादुर 187 बटालियन उधमपुर में पोस्टेड थे, जी कंपनी में जी। 19 तारीख को अभी नई पोस्टें लग रही है। हाँ जी। तो गुदू बसंतगढ़ एक क्षेत्र पड़ता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि काफी दुर्गम और काफी पहाड़ियों का इलाका है। तो उस पोस्ट की रेकी करके वापस आ रहे थे, तो वापसी के दौरान उग्रवादियों से मुठभेड़ हो गई। उस मुठभेड़ में इन्होंने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन इन्होंने जिस तरह से फायर किया, जिस तरह से सबसे आगे चल रहे थे ये, और बाकी पार्टी को मौका मिल गया, इससे हमारी जो क्षति हो सकती थी और लोगों को नुकसान हो सकता था, वो ठीक टाइम पे पोजीशन ले पाए और नुकसान नहीं हो पाया। लेकिन ये खुद अपने साथियों को बचाने में, देश सेवा में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, शहादत दे दी। इनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि और नमन है। आपको बता दें कि कुलदीप के बड़े बेटे नवीन सेना में ड्राइवर के पद पर हैं, तो वहीं छोटा बेटा संजय रेलवे पुलिस में तैनात है। इस गमगीन माहौल पर कुलदीप के बेटे नवीन का कहना है कि उन्हें अपने पिता पर गर्व है, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। जरूरत पड़ी तो वो भी देश के लिए बलिदान देने से पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल हरियाणा के लाल कुलदीप मलिक ने देश की सेवा में दुश्मनों से मोर्चा लेते हुए शहादत दी। देश के अमर शहीद कुलदीप को सूर्या समाचार भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सूर्या समाचार के लिए जिन से सुनील पवार की रिपोर्ट।